ज्ञान भी है, जैसे आपके लिए खेल कूद है, जैसे आपके लिए सांस्कृतिक गतिविधि है, तो एक स्वस्थ माहौल मिलना बहुत जरूरी है। और बिल्कुल ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैंने सामने प्रत्यक्ष देखा उस चीजों को, जब बच्चे वहां पे परफॉर्म कर रहे थे, एक बड़ी भाव भंगिमाएं जब जिस तरीके से निकल के सामने आ रही थी, सब लोग गंभीर हो गए थे, एक सुंदर सा मैसेज नृत्य के साथ मिल रहा था, बहुत अच्छा लगा। और बच्चों के लिए बहुत आशीर्वाद, उन्होंने बहुत बेहतरीन प्रस्तुति की है। आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं उन बच्चों को सम्मानित करने के लिए अपने बिहार शिक्षा परियोजना की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से, क्योंकि ये सभा का विषय है। वो बच्चे बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, आपके हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि खूब पढ़िए और इसी तरह आपके मन में जो भी आपके लक्ष्य हैं आप उनको निर्धारित करिए अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन में। इतना अच्छा माहौल है, इतने यहाँ पे विद्वान हमारे आदरणीय शिक्षक हैं, यहाँ पर सभी लोग, एक अच्छा नाम है मणिकारा का, और बिल्कुल ये मैसेज दूर तक जानी चाहिए। विद्यालय परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद, धन्यवाद। प्रधानमंत्री कुमारी को सहायता प्रमाण पत्र मान्य श्री प्रीतम सर और आनंद सर दे रहे हैं, आप लोग ताली से स्वागत करेंगे। सुप्रिया कुमारी जी ताली से स्वागत करेंगे। सुप्रिया कुमारी को सहायता प्रमाण पत्र ऋषिमा कुमारी ताली बजाते रहेंगे आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। साक्षी कुमारी आएंगे, साक्षी कुमारी सारी सहायता प्रमाण पत्र मेरे के साथ उपस्थित हो रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। जूली कुमारी आएगी सर, देखो बाबू बहुत बहुत धन्यवाद। जूली कुमारी प्रस्तुत हो रही है प्रमाण पत्र और मेरे के साथ। रंजू कुमारी आएंगे और आगे आएंगे रंजू कुमारी की माता जी, वो भी आ जाएंगे। रंजू कुमारी आप सब के बीच प्रसिद्ध हो रही है मेडल और सहायता प्रमाण पत्र के साथ। रंजू कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। रंजू कुमारी रिया कुमारी आप सब के बीच प्रसिद्ध हो रही है मेडल और सहायता प्रमाण पत्र के साथ। रश्मि कुमारी रश्मि कुमारी निभा कुमारी आएंगी, निभा कुमारी मेडल और सहायता प्रमाण पत्र के साथ। मणिकारा शिक्षा निकेतन के इन सभी बच्चों के का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए आप सबों का। सबसे पहले तो उग्रतारा सांस्कृतिक महोत्सव 2022 में भाग लेने वाले जो बच्चे वहाँ पे अच्छे तरीके से अपना कार्यक्रम दिए, और उस कार्यक्रम में तो मैं शामिल नहीं था, लेकिन पता चला डीपीओ सर के द्वारा और अनिल सर के द्वारा कि काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हुआ और बच्चों ने काफ़ी अच्छे तरीके से कार्यक्रम को पेश किया। इसमें कहीं ना कहीं आप सब बच्चों की और आप सभी शिक्षकों की बहुत बड़ी भागीदारी है और एक अच्छा परिवेश आप लोग के बीच है। बड़ा अच्छा लगा कि सर के द्वारा कुछ कुछ अच्छे तरीके से सर के बारे में बताया गया, आप लोग की भी एक्टिविटी देख रहे अच्छे तरीके से आप लोग वेल ड्रेस मेंटेन किए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और बिहार शिक्षा परियोजना की तरफ से आप लोगों को काफ़ी शुभकामना और आशीर्वाद। सबों को ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, खूब अच्छे कीजिए, और जो भी कार्यक्रम होते हैं खासकर कला के रूप में, शिक्षा के रूप में या कुछ भी
प्रोग्राम कहीं पर भी हो उसमें आप जरूर भाग लीजिए और बढ़ चढ़ कर भाग लीजिए और अपने क्षेत्र का, अपने स्कूल का और अपने परिवेश का नाम रोशन कीजिए। धन्यवाद।